हाय, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार, आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपकी सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूँ छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो है क्रूड पे एक स्ट्रेटजी की, जो बहुत ही अच्छा काम करता है और बहुत से लोगों का इस पे डिमांड था, इस पे कमेंट आ रहा था, बहुत दिनों से आ रहा था। तो मैंने चाहा कि चलिए एक वीडियो बनाता हूँ स्ट्रेटजी को लेके। और मैंने फ्रेंड्स, इस बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है, आप इसको लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे आए हैं क्रूड पे, क्रूड ऑयल है, और यहाँ पे हम लोग जो काम करने वाले बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल। यहाँ पे कोई झिक झिक वाला बात नहीं है, आपको यहाँ पे ज्यादा इंडिकेटर नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है। और उसको आपके जो है आपको उस पर आप इम्प्लीमेंट करना है और प्रॉफिट बनाना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है बहुत ही कॉमन इसलिए रखा हूँ ताकि बहुत ही से लोगों का होता है कि सर इसको कैसे करना है या क्या करना है। तो मैं सबसे पहला इसको लेता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें हम लोग क्या क्या लिए। तो सबसे पहला जो हम लोग लिए हैं, आप देख पा रहे हैं ईएमए लाइन है 34 का और 5 पीरियड का ईएमए लाइन है। अब इसको थोड़ा सा समझ, मैं इस पे अलग से वीडियो बनाया हूं, अगर उस वीडियो नहीं देखे हैं एसएम इंडिकेटर वाला तो उस देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आई बटन पे दे रहा हूं, ठीक है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। अब उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एसएम इंडिकेटर जो है इसको कैसे काम में लाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सोर्स है, देखिए क्लोज में ऐसे रहता है बाय डिफॉल्ट क्लोज में, मगर हम लोग क्या किए हैं HL2, ठीक है, इसलिए हम लोग इसका, क्योंकि जब ये एसएम इंडिकेटर के साथ में ही परफेक्ट वे में काम करता है, एक इसका कैलकुलेशन को ये करता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करनी है कि अब आपको बाइंग एंड सेलिंग कहां पे करनी है, सबसे मेन मुद्दा यहां पे होता है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो, वहां पे थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिएगा, या वहां पे आप ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश नहीं करना है, कभी नहीं करना है, ठीक है। अब ये होने के बाद दूसरी रीजन मैं बता रहा हूं कि जब मार्केट के 1 घंटा के बाद, मार्केट ओपन होने के 1 घंटे के बाद अगर आपको कुछ सिग्नल मिलता है, देन वो सिग्नल ज्यादा अच्छा रहेगा, दूसरी नियम। अब देखिए मैं जो बताता हूं उसको सिर्फ फॉलो करना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब ये जो सिग्नल मिला है, मान लेते हैं ए सिग्नल का, मैं यहां से ही बात करता हूं। अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि आपको यहां पे एसएम इंडिकेटर भी बाई दे रहा है और एडीएक्स कैसा बोला, एडीएक्स पे मैं एक वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं बता रहा हूं उस वीडियो को देख लीजिए, गेम चेंजर है वो। और आप यहां से देखिए बीच में से निकल रहा है एडीएक्स लाइन जो है, ये प्लस डीआई और माइनस डीआई के बीच से निकल रहा है, तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां पे दे ही रहा है और प्लस में 820 के अबव भी है, राइट। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऐसे ट्रेड में इनिशिएट करना, ऐसे जो ट्रेड होते हैं ना ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होते हैं, क्या होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होते हैं ये, और ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरीका के ही आपको जो है ट्रेड लेनी है, इसको बोलते हैं हाई सेटअप ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। ये बहुत ही अच्छा सेटअप पे, बहुत अच्छा सेटअप पे है और बहुत ही अच्छा सेटअप पे आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, और देखिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है। आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरी रीजन, अब आपको यहां पे क्या होना चाहिए, अब आपको थोड़ा सा मैं और बताता हूं, तो फिर मैं इसको बताता हूं कि आप इसको टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं या स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, एक आज एग्जांपल और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको मैं बहुत से लोगों का आ रहा है, मैं इस पे जो है निफ्टी पे भी बताऊंगा कि निफ्टी पे भी ये काम कर रहा है, बहुत से लोग इस पे प्रॉफिट बना भी रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, अब जैसे ऐसे में आपको ऐसे में कुछ भी नहीं करना है, यहां पे जब मार्केट गैप अप हुआ है, ये गैप डाउन होगा, तो ऐसे में आपको यहां पे ज्यादातर कुछ नहीं करनी है, क्या करनी है, जब आधा 1 घंटा के बाद जो कुछ सिग्नल दे उसको आपको कंसिडर करना है, राइट। और आपको एडीएक्स का पूरा जो है लो फॉलो करना है, आपको विदाउट एडीएक्स कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे इसने यहां पे तो सेल दिया है, एसएम इंडिकेटर ने यहां पे तो सेल दिया है,
बट आपका यहाँ पे देखिए एडीएक्स जो है दोनों लाइन के नीचे चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जहां मैं बात कर रहा हूँ, एडीएक्स यहाँ पे दोनों लाइन के नीचे चल रहे हैं, दोनों लाइन के नीचे चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपको ट्रेड नहीं करना है, बल्कि मार्केट कितना भी ऊपर या कितना भी नीचे चला जाए, जब एडीएक्स नीचे है, दोनों लाइन के नीचे है, रहने दीजिए, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स आपको इसे समझना चाहिए कि अगर ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं तो एक ट्रेड कर रहे हैं। आप वॉच कर रहे हैं, ट्रेड ट्रेडिंग है, वॉच करना भी एक ट्रेडिंग है। सिर्फ बाई सेल करना ही ट्रेडिंग नहीं है, आप वॉच कीजिए वो भी एक ट्रेडिंग है। आपको ये मानसिकता में बैठाना पड़ेगा कि सिर्फ बाइंग सेलिंग करना ही ट्रेडिंग नहीं है। तो जो लोग लॉस कर रहे हैं, यही रीजन है कि वो लॉस करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे मैं दिखाता हूं आपको, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब यहां पे अब मार्केट पूरा पूरा गैप अप ओपन हुआ है, राइट? तो मैं क्या बोलता हूं कि ऐसे स्थिति में आपको काम नहीं करनी है। ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग यहां पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर जो है उसका कैलकुलेशन कर लेता है, क्योंकि वो तो बेचारा क्लोजिंग का लेता है, ये सारी चीजों को लेता है, जहां तक वो बेचारा ये कर जाता है। अब देखिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यहां पे बना है, राइट? अब यहां पे देखिएगा, ये आप देखिए यहां पे आपको चलना शुरू हुआ। अब यहां से ये ध्यान से देखिएगा, यहां से इसने बीच में है बट ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहां से। तो आपको इधर कहीं पे ट्रेडिंग इनिशिएट होता था, ट्रेड इनिशिएट यहां पे कहीं पे कीजिए और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो आपको वेट करना पड़ेगा, वाच करना पड़ेगा, देन जाके आपको एक ट्रेड मिलेगा। अब देखिए कुछ कुछ फॉल सिग्नल तो होंगे, कुछ कुछ जो फॉल सिग्नल होंगे जो आपको फिल्टर करने आना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको वो सारी चीजें ये कर सकते हैं। अब जैसे देखिए एक ट्रेंड बना, अब एक ट्रेंड बना, और देखिए ना जब भी एडीएक्स जब बीच से निकल रहा है, देखिए फिर यहां से एडीएक्स बीच से निकल रहा है। अब ये सेटअप फिर देखिए कितना अच्छा काम कर दिया आपके लिए, कितना अच्छा काम कर गया। आप देखिए तो यही है, आप यहां पे देखिए मार्केट पूरा रेंज बाउंड था, रेंज बाउंड के बाद एक वोलेटिलिटी आने वाला है, तो उसका बेनिफिट उठाने का, क्योंकि आपको एसएम इंडिकेटर बता रहा है कि ये नीचे ही है, अभी ये डाउन ट्रेंड में जाने की उम्मीद कर रहा है। तो इस तरीका से आपको जो है फ्रेंड्स आपको काम करनी है। दूसरी रीजन, अब स्टॉप लॉस कहां लगाएं, अब स्टॉप लॉस कहां लगाएं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि जब स्टॉप लॉस ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि आपको जब भी, ध्यान दीजिए, आपको जब भी जो सिग्नल मिला, जैसे मान के चलिए कि एडीएक्स का सिग्नल कहां पे मिला, यहां पे मिला है या यहां पे मिला है, राइट? तो यहां पे जो एडीएक्स का सिग्नल मिला उसके पीछे का हाई कौन था, तो हाई ये था, इससे थोड़ा सा बफर लेके आप स्टॉप लॉस लगा देंगे, ऐसे लगाएंगे, और वहां से जो प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स बहुत ही होगा। और टारगेट क्या ले सकते हैं, तो सबसे पहला कि 1:2 का तो रख लीजिए, 1:2 तो मिनिमम रख लीजिए, राइट? अब उससे भी ज्यादा देगा, जैसे मैंने पहले भी दिखाया कि जब सेटअप बन जाता है तो जबरदस्त कम ट्रेड कीजिए, परफेक्ट ट्रेड कीजिए, मेरा ये मानना है। जैसे यहां पे देखिए तो ये 1:2 से ज्यादा दिया है। ठीक है, अब मैं और दिखाता हूं, कहीं ये बहुत ज्यादा देगा, ठीक है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा। जैसे यहां पे देखिए आपका इधर था, यहां पे स्टॉप लॉस था, आप देखिए यहां से स्टॉप लॉस था, यहां पे आपका ये था, मार्केट कहां पे चला गया, तो ये ज्यादा देगा। तो वैसे स्थिति में आपको करनी क्या है, वैसे स्थिति में जब आपको प्रॉफिट बड़ा होने लग जाए, प्रॉफिट जब बड़ा होने लग जाए, तो आपको करनी क्या है कि सीधा सीधा जो आपका स्टॉप लॉस है, या आपको स्टॉप लॉस तो ट्रेल करते जाना है, इसके हिसाब से करते ही जाना है, बट आपको एक जब ट्रेंड बनेगा ना, तो मैं बता रहा हूँ कि 5 के नीचे भी कोई ना ट्रेंड जो है इसको नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। तो जब भी इस तरीके से क्लोजिंग होने लग जाए वहां पे आप अपना जो है जो पोजीशन बना है उसको आप हटा सकते हैं, पोजीशन आप वहां पे कट कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो ये 5 की लाइन पे आपका स्टॉप लॉस स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, जब 5 की लाइन के नीचे क्लोजिंग देने लग जाए। अब एक बड़ी बात और होती है, अब एक बड़ी बात क्या है कि सर हमको कैंडलस्टिक की जानकारी नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। कुछ नहीं कीजिए, आप सीधा सीधा हेकनासी लगा लीजिए, जिनको कैंडलस्टिक नहीं आता है, अब उनके लिए भी ये परफेक्ट ये वाला सिनारियो बनेगा। ठीक है, आप परफेक्ट वाला, जैसे यहां पे ही एग्जांपल लीजिए कि
तो एक क्या हुआ, यहाँ पे आपको बाई मिला, जा रहा है और यहाँ पे देखिए तो स्पिनिंग टॉप और डोजी मिलना शुरू किया, आप यहाँ पे हट जाएंगे। कहीं पे भी जब आपको एक अच्छा सेटअप दिखता है, एक अच्छा जब सेटअप दिखे ना, तो वहां पे आपको इसी तरीका से जो है आपको देखिए ट्रेंड आपको जब पहचानने लग जाएंगे तो आपको एक नासी भी आपको प्रॉफिट देगा। बट ट्रेडर को कैंडलस्टिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप शॉर्टकट में काम कितना दिन चलाएंगे, एक नासी लगा के, एक नासी भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट आप उसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। आप देखिए ना कैसे आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो आपको इस स्ट्रेटजी को यूज करते समय दो ही चीज ध्यान देना है, पहला कि रेंज बाउंड में नहीं फंसिएगा, रेंज बाउंड में नहीं फंसना है, राइट। आपको मैं बार बार बोलता हूँ, आप एक कैंडल आगे लीजिए, एक कैंडल आगे लीजिए, मगर परफेक्ट सौदा कीजिए आप, क्योंकि एक कैंडल के लिए हम लोग तो ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, एक कैंडल के लिए हम लोग ट्रेड थोड़ी ना इनिशिएट कर रहे हैं। तो एक कैंडल में कितना प्रॉफिट होता है, एक कैंडल में प्रॉफिट नहीं होता है। तो आपको ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपको करके और जो है आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। जब एक ट्रेंड बनेगा तो आपको एक अच्छा खासा सौदा देगा और अच्छा खासा जो है प्रॉफिट बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कितना जबरदस्त तरीका से नीचे, अरे एक भी लाइन देखिए 5 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्लोजिंग देने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टू यूज, बहुत ही इजी है। इससे इजी स्ट्रेटजी नहीं हो सकता कि आपको बस कुछ चीजों को ध्यान देके और अच्छा खासा प्रॉफिट निकल रहा है। आप देखिए ना ध्यान से, आपको इधर कहीं पे था और आ कहाँ पे गए आप मार्केट देखिए। तो आपको इतना इजी है फ्रेंड्स, आप कहाँ पे है आप हैं, देखिए आपको इधर था और उसके बाद देख लीजिए। तो आपको बस एक आपको जो है सिर्फ आपको थोड़ा सा रेंज बाउंड फिल्टर कर लेना है, और उस पे मैं एडीएक्स का वीडियो बनाया हूँ, मेरे चैनल पे चले जाइए और वो वीडियो को देख लीजिए। मैं पूरा टेक्निकल इंडिकेटर का प्लेलिस्ट बना लिया हूँ, वहां पे जाके देख लीजिए तो आप ज्यादा परफेक्ट वे में समझ पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, तो वीडियो को चलते चलते लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स लास्ट में दो वीडियो जरूर देख लीजिए जो इंड स्क्रीन पे आ रहे हैं, गेम चेंजर है। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।